जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में, और आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल सितंबर 2018। तो आज मैं बताने जा रहा हूं 19 सितंबर 2018 में 12 राशियों का क्या हाल रहने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, आपके द्वारा दिए गए सुझाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और अपने में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है और अच्छा लगता है आपको अपना चैनल, तो आप अपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बात करते हैं दोस्तों मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार व्यवसाय में सफलता के योग बना रहा है, और आज का दिन किए गए प्रयासों से भविष्य आपका उज्ज्वल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका भाग्य अंक यहाँ पर 90% रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए समय के साथ चलने का प्रयास करने का है। बदलाव ही आपके अनेक प्रकार के जीवन के दिशा निर्देश निर्धारित करेंगे। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है और भाग्य अंक भी आपका 80% रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिथुन राशि के। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास व्यक्ति से मिलने का योग बना रहा है। किसी उच्च अधिकारी या अटके हुए काम को आज आप पूरा करता हुआ देखेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है और उनका भाग्य अंक 90% रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज कोई एक नया व्यवसाय शुरू करने का सोच सकते हैं, तो दो दिन रुक कर शुभ मुहूर्त का इंतजार कर लीजिए। आपकी राशि के अनुसार दो दिन बाद शुरू करें। भाग्य अंक आपका यहाँ पर 40% रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का निवेश करने से आप बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको हानि हो सकती है। निवेश द्वारा किए गए पैसों का इन्वेस्टमेंट आपका अटक सकता है। तो प्यारे मित्रों आज रुक जाएं और भाग्य अंक आपका 60% रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यवसाय यात्रा करने का योग बना रहा है, जो यात्रा आपके लिए फलदायक और सब कुछ देने वाली होगी। आज आपका भाग्य अंक भी अच्छा है और भाग्य अंक आपका 70% रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो काम चला आ रहा था पुराना, उसमें अगर गति आप बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप प्रयास कीजिए तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज भाग अंक 90% रहेगा। तुला राशि के लोगों के लिए व्यवसाय में नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किए गए प्रयास आज सफल होते हुए दिखाई देंगे। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज का दिन उनके लिए उत्तम रहेगा और भाग्य अंक भी आज आपके लिए उत्तम आया है, जो कि है 70%। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जो कि आज आपको मिलकर चलने की सलाह दी जाती है और सभी प्रकार की जो आपकी कामनाएं हैं वो उन्हें पूर्ण करता हुआ दिखाई देगा। भविष्य में आपकी सफलता प्राप्त होगी। भाग्य अंक आपका 70%। मकर राशि के जातकों के लिए आज किसी को पैसा उधार ना दे, उधार दिया हुआ पैसा आपका फंस सकता है। तो आज किसी को आप पैसा उधार ना दें, ऐसी आपको सलाह दे रहे हैं हम। माता रानी की कृपा से आप सभी कार्यों में निर्णय लेने में सक्षम हैं। भाग्य अंक 70%। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन चिंता से पूर्ण निष्ठासार से कार्य करते रहिए, सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, उसका इंतजार कीजिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा औसत रहने वाला है, इसलिए प्यारे मित्रों घबराएं नहीं, माता रानी का ध्यान रखें। 60% भाग्य अंक। मीन राशि के जातकों के लिए आज मुलाकात का दिन है। पुराने दोस्तों से हो सकती है आज मुलाकात। रोजगार के अवसर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत मंगलमय रहने वाला है। रोजगार के नए धंधे दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे मित्रों आज आपको बहुत यकीन और मन के साथ कार्य करना चाहिए। भाग्य अंक आपका 70% रहेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका दोस्त मनीष। फिर मिलेंगे हम अगले दैनिक वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।